आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जनपद में कोविड मरीजों की संख्या 1000 से अधिक होने पर जिला प्रशासन द्वारा स्विमिंग पूल, जिम, वाटर स्पोर्ट्स पर अगले आदेश तक खोलने पर लगाया गया रोक। 50% क्षमता के साथ चलेगा सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, फूड पॉइंट। शादी विवाह में एक समय में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल। एडीएम सिटी ने लोगों से की अपील, कहा कोविड प्रोटोकॉल का सभी लोग करें पालन, रहे सुरक्षित व सतर्क। मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन की तैयारी हुई पूरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कोविड हेल्प डेस्क तथा अस्थायी मंदिर थाने का किया गया है निर्माण। जगह जगह पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी। कोविड टीकाकरण 100% फर्स्ट डोज और 80% सेकंड डोज पूर्ण करने के चुनाव आयोग के निर्देश पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई MOIC व स्वास्थ्य विभाग की बैठक। कहा अगले 10 दिन में करेंगे 100% लक्ष्य पूरा। कोविड के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिले के सभी इंटर कॉलेज तथा डिग्री कॉलेज के प्रबंधक एवं प्रिंसिपल की बैठक। कहा 25 जनवरी से पहले 100% सभी 15 साल से 17 साल के छात्र छात्राओं को टीकाकरण पूर्ण करने का लिया संकल्प। राज स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज की मान्यता के विवाद में CMO की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय जांच टीम ने राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज के प्रबंधक को किया रिकॉर्ड के साथ तलब। कहा जांच कर प्रेषित कर दूंगा शासन को यथाशीघ्र रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में प्रयोग होने वाले वाहनों के वाहन स्वामियों के साथ सिटी मजिस्ट्रेट ने की बैठक। कहा 2500 वाहनों का प्रयोग होगा विधानसभा चुनाव में, सभी वाहन स्वामियों ने दी है अपनी सहमति। मकर संक्रांति पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए SSP डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस अधिकारियों के साथ गोरखनाथ मंदिर में की बैठक। SP सिटी ने कहा मंदिर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के दृष्टिगत मंदिर को बांटा गया है 4 जोन व 12 सेक्टर में, चप्पे चप्पे पर पुलिस की रहेगी नजर। छेड़खाने का आरोप लगाकर युवक का सिर मुड़वाने और बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गगहा पुलिस ने लिया संज्ञान, 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट ने प्राइवेट स्कूल बस मालिकों के साथ की बैठक। कहा चुनाव में ट्रांसपोर्ट की होती है अहम भूमिका, सभी वाहन स्वामी फिटनेस से संबंधित पेपर RTO को कराए उपलब्ध। BJP से दारा सिंह चौहान के पार्टी छोड़ने के बाद वार्ड संख्या 10 के मनोनीत पार्षद धर्मदेव चौहान हुए मीडिया से रूबरू। कहा ऐसे लोगों को जनता ही इनको सिखाएगी सबक। गोरखपुर में गुरुवार को पाए गए 200 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में एक्टिव केस की संख्या हुई 1696। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने की पुष्टि। गुरुवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 333 केंद्रों पर 41,605 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 30,326 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 9,801 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा वैक्सीनेशन और कोविड प्रोटोकॉल ही है कोविड से बचने का तरीका। चोरी के माल के साथ एक शातिर चोर को राजघाट पुलिस ने किया गिरफ्तार। पास से चोरी के लैपटॉप, एक मोबाइल, एक स्कूटी, एक देशी तमंचा व एक जिंदा कारतूस किया बरामद, भेजा जेल। और गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा बुधवार को हुई बारिश की वजह से अगले कुछ दिनों तक जनपद में सुबह और शाम के समय में रहेगा घना कोहरा। किसानों के फसल की क्षति की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए सभी तहसीलों को किया गया है निर्देशित। पीड़ित किसानों की राज्य आपदा मोचन निधि से की जाएगी सहायता।